हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास एट सब्जेक्ट मैथ, जो मैं आपको न्यूज चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज का। चैप्टर का नाम है अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती में संबंध और समानुपात। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात आपको ये पता लगाना है कि अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। ठीक है, हमें छोटा सा रिलेशन लाते हैं कि जैसे है यहाँ पे एक्स और ये लेते हैं वाई। ठीक है ना, अनुक्रमानुपाती मतलब होता है यस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाई। मतलब यस और वाई आगे सामने है तो ये क्या है, तो ये क्या है अनुक्रमानुपाती। अगर यही यस अपॉन वाई के फॉर्म में है या तो ऐसे यस बैटरी प्रोपोर्शनल वन अपॉन वाई, ये क्या होगा स्टूडेंट अनुक्रमानुपाती है। यानी अगर यस वाई के सामने है तो अनुक्रमानुपाती कहेंगे, लेकिन अगर यस वाई के अनुपात में है यानी बटे में है तो इसे क्या बोलेंगे व्युत्क्रमानुपाती। ये छोटा सा रिलेशन था। टॉपिक का नाम है समानुपात। अब समानुपात क्या हो रहा है पहले जान रहे हैं हम अनुपात के बारे में और क्या होता है समानुपात। स्टूडेंट हम यस और वाई लेते हैं, अब अनुपात क्या होता है उसे लिखेंगे यस अनुपात वाई। यहाँ जो दो बिंदु लगा है इसे बोलते हैं अनुपात। क्या बोलते हैं स्टूडेंट अनुपात, मतलब बराबर भाग में बांटा है कि नहीं, बांटना होता है किसी चीज को या बटन लिखना होता है, इसे बोलते हैं हम क्या स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं अनुपात। ठीक है ना, अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या ऊपर को वाई चर को, ये तुम्हारा क्या होगा अनुपात, यानी कि यस अनुपात वाई, यस अनुपात वाई। ठीक है, इसको मान लो के एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मैंने एक्स बराबर लिया पांच, वाई बराबर लिया सात। अब इसने बोला है कि इसको अनुपात बनाओ, तो इसे लिखेंगे यस अनुपात वाई, लिखेंगे पांच अनुपात सात। अब क्या लिखेंगे यस अपान वाई, तो यस अपान वाई बराबर क्या लिखेंगे स्टूडेंट, यस कितना है पांच बटे वाई कितना है सात। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, इस तरह से हम लोग अनुपात समानुपात को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी अनुपात समानुपात क्या होता है। अब इस पे हम लोग सवाल की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, वो सवाल की प्रैक्टिस करेंगे, इसमें आपको कुछ चीजें लिखी हुई हैं। और सबसे पहली बात कि एक्सरसाइज दिया हुआ है सही या गलत, और सही या गलत करना है। एक्सरसाइज है हमारा अभ्यास 11.1। पहला क्वेश्चन है, पहला बोला स्टूडेंट देख लो आप लोग, यदि यक्ष में वृद्धि होने से वाई में वृद्धि होती है तो यक्ष और वाई के बीच अनुक्रमानु समानुपात संबंध होता है। बिल्कुल, मैंने कहा था ना कि यक्ष बटे प्रोपोर्शनल वाई या यक्ष बटे वाई, अगर इसमें कुछ भी परिवर्तन आएगा तो इसमें भी परिवर्तन आएगा। ठीक है ना, तो पहले का आंसर क्या है सही है, पहले का आंसर क्या स्टूडेंट सही। ठीक है, देखते हैं दूसरा, पहला सही है आपका। ठीक है, पहले सही लगा लेना। दो राशियां x और y क्रमानुपाती कही जाती है यदि x बराबर k y हो तो। लिखा है यदि x बराबर k y, अब y नीचे ले आओ तो y बटे y बराबर k। अब k क्या है, एक नियतांक है, एक नियतांक है, तो ये x बटे y के फॉर्म में है, यानी कि ये क्या है सही है। क्या स्टूडेंट सही है, ठीक है ना, अनुपात में है ना, सही बोलेंगे इसको। तीसरा स्टूडेंट कहेंगे हम यदि दो राशियां x और y क्रमानुपातिक है, x और y क्रमानुपातिक है, y1 y2 y के दो समान x के दो मानों x और x2 के संगत है तो x1 y1 बराबर x2 y2 होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा स्टूडेंट, क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे x1 y1 बराबर एक्स टू वाई टू, करने को नहीं है वाई को वाई के पास ले जाओ, यस को यस के पास ले जाओ, तो यस को इधर ले आओ, तो यहाँ घुड़ेंगे यहाँ आ जाएगा भाग हो जाएगा एक्स टू, इसको नीचे ले जाओ तो वाई टू अपार वाई वन। देखो स्टूडेंट ये अनुपात में है कि नहीं है,
तीसरा भी क्या होगा, तीसरा भी सही होगा। चौथा बात करें स्टूडेंट, चौथा दिया है कि दी गई सारणी में एक्स और वाई का अनुक्रमा समानुपाती है कि नहीं है, आप काट के चेक करो, 6/4, 14/12, 18/16, 22/20, 30/28, अगर काटने पे सबका वैल्यू समान आता है तो सही है, अगर नहीं आता है तो गलत है। ये लग रहा है कि ये गलत है क्योंकि सारे वैल्यू अलग अलग हो रही है, तो चौथा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, गलत, क्योंकि काटने पे सारी वैल्यू क्या आएंगे, बिल्कुल अलग आएंगे। अब देखते हैं लास्ट वाला, लिखा है कार्य पर अधिक लोगों का तात्पर्य है कि कार्य को पूरा करने में कम समय लगेगा, यदि क्या अनुक्रमानुपात संबंध है का उदाहरण है, तो ये गलत है स्टूडेंट, ये भी पांचवा क्या है, गलत है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में तो आया ही होगा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं हम लोग, देखो स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर टू, एक पुस्तकालय में किसी पुस्तक की 136 प्रतियां रखने हेतु 3.4 मीटर लंबी अलमारी की आवश्यकता होती है, 5.1 मीटर लंबी अलमारी में उसी पुस्तक को कितनी प्रतियां रखी जा सकती है, मतलब कोई एक अलमारी है जिसकी लंबाई 3.4 मीटर है, उसमें 136 पुस्तकें रखी जाती है, अगर मैं इसकी लंबाई को 5.1 कर दूं तो कितनी पुस्तकें रखी जा सकती हैं। देखो स्टूडेंट ये क्वेश्चन सरल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कुल कितनी कॉपियां हैं, 136 कॉपियां, और कितने मीटर लंबी अलमारी लग रही है, 3.4। देखो अलमारी वाला पोर्शन नीचे है और पुस्तकें कहां है, ऊपर है, तो आप बराबर लगाओ और ऐसे ही यहां बैठा, ठीक है। अब बोला है कितने मीटर लंबी अलमारी लग रहा है, 5.1, तो अलमारी लंबाई यहाँ है तो अलमारी वाला पोर्शन आप नीचे रखो, तो कितने पुस्तकें पूछा है, इसे यस मान लो, क्या मान लो यस, आप ये पुस्तकें संख्या है, ये अलमारी की लंबाई है, पुस्तकों संख्या मैंने एस मान लिया है, ये अलमारी की लंबाई है, तो लंबाई लंबाई रखा है, पुस्तकों पुस्तकों में रखा है, अब इसको ऊपर ले जाओ तो 136 गुणे इसका मुल्काई कर ना 5.1/3.4 बराबर ये समझा यहाँ का आपका स्टूडेंट, स्वतः क्रम मल्टीप्लाई कर दो, इसको ऊपर ले जाइए यह बचेगा ही, यह बराबर पॉइंट टू पॉइंट यहाँ काट दो स्टूडेंट, ठीक है ना, अब आएगा 136 गुणे 51/34, 34 को पहाड़ पढ़ोगे तो ये आई थिंक 4 बार कट जाएगा, ठीक है, तो यस बराबर 4 गुणे 51, 34 कट गए 51 है, ठीक है, अब यह प्लस 4 × 4, 4×5=20, 204 पुस्तकें लगेंगे, 204 पुस्तकें लगेंगी स्टूडेंट, ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो स्टूडेंट, लिखा है कि 14 मीटर ऊंचे बिजली के खंभे की परछाई 10 मीटर लंबी है, 14 मीटर बिजली खंभा है और जो खंभे की जो परछाई है वो कितना लंबा फैल रहा है, 10 मीटर फैल रहा है, समान परिस्थिति में उस पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी जिसकी परछाई 15 मीटर लंबी है, भले बिजली खंभा है और बिजली खंभा लंबा कितना दिया है 14 मीटर, ठीक, उसकी परछाई कितना दूर जा रही है, परछाई जा रही है 10 मीटर, देखो स्टूडेंट ये खंभे की ऊंचाई है और ये परछाई की लंबाई है, अब बोला कि पेड़ कितना ऊंचा रखे, कितना ऊंचा रखे उसको यस मान लो, मान लो कि हम उसे यस मीटर ऊंचा रखे हैं तो परछाई कितना दूर गया है, 15 मीटर गया है, परछाई कहां गया स्टूडेंट, 15 मीटर गया है, जैसे ये किए वैसे ही करो, कुछ नहीं करना है, इसका उल्टा इसमें कर दो, तो लिखो 14 × 15/10 उतार लो स्टूडेंट, बराबर ये बचा है, ये लिख लो, ठीक है ना, अब देखो तो 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, ठीक है, 2 × 7 = 14, तो यस बराबर 7 × 3 = 7 × 3, यस बराबर कितना है स्टूडेंट 21, तो 21 मीटर ऊंचा पेड़ लगेगा, ठीक है,
तो ये आपका दूसरा तीसरा क्वेश्चन में तैयार होगा स्टूडेंट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो चौथा क्वेश्चन दिया हुआ स्टूडेंट, जरा देखिए चौथा क्वेश्चन क्या दिया है। बोला है कि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत से गति से चल रही है, 17 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। एक कार है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक कार है जिसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर प्रति आवर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, इतना स्पीड चल रहा है। तो बोला है 17 मिनट में, 17 मिनट में वो कितना दूरी चल करेगा। पहले आप ये सॉल्व कर दो, यहाँ लिखा है 60 किलोमीटर, अभी तुम्हारा घंटे में है आवर में है, यहाँ लिखो 60 मिनट, क्योंकि आवर और मिनट को आपको एक साथ लेकर चलना है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट आगे ले चलते हम लोग, तो 60 किलोमीटर और 60 मिनट बराबर कितना मिनट चलना है, 17 मिनट। तो मिनट को मिनट के बाद रखो, यहाँ पर 17 मिनट और यहाँ पे यस मान है फिर स्टूडेंट, तो क्यों, क्योंकि यस किलोमीटर वाला चलेगा 17 मिनट में और 60 किलोमीटर चल रहा है 60 मिनट में, अभी पता लग जाएगा जीरो जीरो कैट होगा कहाँ से पहले गया। तो यहाँ लिखो 70 बराबर एस, एस बराबर 70 किलोमीटर, ये दूरी तय करेगा। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे के हिस्से को सॉल्व करूंगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।